अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें जल्द से जल्द थानी के पास पहुंचना होगा। क्या तुमने उसके साथ? दानी, 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 दानी हमारी तरफ देखो। दानी तुम ठीक हो ना? दानी तुम ठीक हो ना? प्लीज हमें बचा लीजिए ध्रुव जी। दानी तुम चिंता मत करो, हमारे हमारे तुम्हारे पास। बहुत डर लग रहा है ध्रुव जी। हेलो हेलो दानी, मेरे बारे में जानना है तो जाके अपने बाप से पूछ कि मैं कौन हूं और मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। कह देना उसे कि जो घाव तूने मुझे सालों पहले दिए थे, आज मैं सूद समेत उसका हिसाब चुकता कर रहा हूं। धानी के किडनैपर ने दिया है। कौन है ये आदमी पापा? 20 साल पहले क्या हुआ था? अतीत का कौन सा ये साया है पापा जो आज हमारे आज को बर्बाद कर रहा है? 20 साल पहले, सुनिए जी, कहीं प्रताप तो वापस नहीं आ गया ना? ये प्रताप कौन है? भानु प्रताप शांडलिया। ये हमारे बचपन का वो बदनुमा दाग है जिसे हम दोस्त नहीं कह सकते बचवा। हमने हर कदम पे इसका साथ दिया। एक मर्तबा ये हमारे पास आया, इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, मदद मांगने आया। हमने इसको
दोस्त समझ के रख लिया अपने पास। बस इसने जो है हमारे ही माल को दूसरे ग्राहकों के पास कालाबाजारी करना शुरू कर दिया, गलत संगत में पड़ गया। और तो और हमारे एक दो स्टोर तक बेचने के ग्राहक ढूंढ लिए थे उसने। उस कमबख्त ने हमारे विश्वास का बहुत नाजायज फायदा उठाया। इसने हमारे ही माल की कालाबाजारी जब शुरू कर दी और हमें जब पता चला तो हमने इसकी कंप्लेन कर दी। पुलिस आई इसे अरेस्ट करने और अफरा तफरी में इसके हाथ से किसी एक बंदे का कत्ल हो गया। अब जिसका खून हुआ वो कोई मफिया शफिया था हमारे यहीं का, उसने बदला लेने के लिए इस पर इसकी प्रेग्नेंट बीवी पर इसके घर पर कुछ हमला शमला किया। हो ना हो ये वही आदमी है। अब ये 20 साल बाद जेल से बाहर निकला और ये जो हरकत करने की कोशिश कर रहा है, यकीन जानिए यहां भी नुकसान इसी का होगा। खुद इतना गलत होने के बाद हमारे साथ गलत कर रहा है। पैसों का लालच नहीं है मुझे, मैं सिर्फ अपने बदले की आग को बुझाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। सिर्फ 3-4 लाख रुपयों के लिए काशी ने मेरे परिवार को मरने दिया। मैंने तेरे ससुर के सामने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, सिर्फ 3-4 लाख रुपयों के लिए। और उसके पास पैसे थे, मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन उसने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। और तो और उसके गुंडों ने मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को जला कर राख कर डाला और मैं अकेला हो गया। अकेला, अब मैं भी काशी को अकेला करूंगा, उसके परिवार के हर एक सदस्य को चुन चुन के मारूंगा और सबसे पहले बलि चढ़ेगी तेरी। आज 3 दिनों के बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की पुण्यतिथि है, उस दिन तुझे मार कर तेरी लाश को काशी को भेंट करूंगा। ये है बचवा। पापा में काम करते हैं, पुलिस को जाकर सब सच बता देते हैं। और ये तस्वीर जब वो लड़की देखेगी तो शायद उसे कुछ समझ में आए। आपके बारे में सबको पता चल चुका है और इन लोगों के साथ एक लड़की भी है वानी, जो दहनी को ढूंढने में इनकी मदद कर रही है। और वानी ने भी उस औरत को देखा है जिसने उसे अगवा किया है। तो आप प्लीज थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। तुम चिंता मत करो, जब तक वो लोग यहां पहुंचेंगे हानी की लाश पांडे परिवार के पास पहुंच चुकी होगी। सिर्फ 3 दिनों की ही बात है। 3 दिन? हम 3 दिन का इंतजार ही क्यों कर रहे हैं? आप अभी धनी को मार के खत्म कर दीजिए। बदले का मजा तो तड़पा तड़पा कर मारने में ही है ना। बाकी तुम कोई फिक्र मत करो, किसने किसको देखा नहीं देखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। तुमने आज बहुत मेहनत की है, थक गई होगी, इधर आओ। ये लो
पानी पियो। एक राज की बात बताऊं तुम्हें, हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते हुए यहां पहुंच जाएं, क्योंकि किसी ने इस औरत को तुम्हारा पीछा करते हुए देख लिया और अब वो मदद कर रही है पुलिस की तुम्हें ढूंढने में। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वहां तो कोई नहीं था। मुझे तो बहुत मजा आया। सृष्टि, बेटा ये सब क्या है? इस तरह से विधवा का केस? क्योंकि यही अब हमारी जिंदगी है मम्मी। अब ना ही हम और किसी से प्यार कर पाएंगे और ना ही अपनी जिंदगी में किसी को जगह दे पाएंगे। आज से हमारी जिंदगी बेरंग हो गई। हम दिल से रॉकी को अपना पति मान चुके थे और इसीलिए आज से हम उनकी विधवा बनकर रहेंगे। और अगर आपने हमें घर से बाहर कर भी दिया और रॉकी की यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा, तेरे सामने अभी तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। सृष्टि बेटा, जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता, आगे बढ़ा जाता है, जिया जाता है। जो होना था सो हो गया बेटा, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। ये जाओ बेटा, ऊपर जाके कपड़े बदल लो और ऐसी बातें मत किया करो। मैं सृष्टि को अपने साथ आसम कर ले जाती, अपने लोगों के बीच रहेगी तो मन जल्दी हल्का होगा। बिल्कुल सही कह रही बहन जी, जाओ बेटा। नहीं, भगवान ने भी हमसे छीन लिया। अगर आप लोगों ने ये रॉकी की याद हमसे छीनने की कोशिश की ना, तो हम अपने आप को मार देंगे। नहीं, कुछ नहीं सुनना है हमें। सृष्टि बिटिया कहीं नहीं जाएगी।
यहीं रहेगी हमारे घर में। बचवा, ये घर हमारा है और हमारा नाम का है, काशीनाथ पांडे। विद्या कहा ना आपको, और जो वचन हमने आपके पिताजी को दिया वो हमने पूरा किया। लेकिन बच्चा, ये हरकत ठीक नहीं, हमारे सामने की बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आप सबके लिए कह रहा हूं, पूरा पांडे परिवार के लिए, कि सिस्टी बेटी ऐसी घर में रहेगी और बाइज्जत रहेगी। आप इस घर में रहेंगी, ये घर आपका है, समझे आप? नहीं, तो उस आदमी से मिली हुई हो तुम भी? हाँ, कौन सा आदमी? कौन सा आदमी? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो, सारा सच पता चल चुका है हमें। देखो, मैं किसी आदमी को नहीं जानती हूँ, मैंने बस उस औरत को देखा था तुम्हारी बीवी का पीछा करते हुए। उस औरत के साथ एक आदमी भी मिला हुआ था, और ये सच्चाई हमें पता चल चुकी है। और बेहतर यही होगा कि अगर तुम भी पूरा सच बता दो हमें। सारा सच बता चुकी हो तुम्हें, अब बाकी सच कहाँ से लाओ? रामायण बा चुका तुम्हारे सामने या नहीं? गीता पर हाथ रख के कसम खाओ। तो ऐसे नहीं मानोगी तुम? इंस्पेक्टर साहब जी, पकड़ो। नहीं बेटा, ये तुम गलत कर रहे हो, मेरी बेटी का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। पाटी जी प्लीज, हम जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और ना ही हम आपको परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि हमारी बीवी के अपहरण में आपकी बेटी का हाथ नहीं है, तब तक हम उसे नहीं छोड़ सकते। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इन सब से आपकी बेटी को आजाद किया जाए, तो प्लीज इसे कहिए कि सारा सच बता दे हमें। बेटा, अगर तुझे इसके बारे में कुछ भी और पता है ना, तो वो भी इनको बता दे, वरना अगर तुझे यहाँ से ले गए ना, तो पता नहीं क्या करेंगे। माँ, मुझे जितना पता था मैंने इनको बता दिया, अब ये लोग अगर मेरा यकीन नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं? इनका दर्द, इनकी तकलीफ समझ रही हूँ मैं, इसलिए तो सामने से इंस्पेक्टर साहब को कह के मैंने उस औरत का स्केच बनवाया। क्या? तुमने वो स्केच बनवाया? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, क्या ये सच है? जी हाँ, इन्होंने उस औरत का सामने से स्केच बनवाया था। तो फिर ये बात आपने हमें बताई क्यों नहीं? और वो स्केच कहाँ है? स्केच लाओ। वानी, उस औरत का तो स्केच बनवा दिया तुमने वानी, लेकिन प्रताप का क्या? उसके साथ भी तो मिली हुई हो तुम। वानी, प्रताप को बचाने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन हम उसे पाताल से भी खोज लाएंगे। बेटा, जाने दीजिए इसे। वानी, अगर ये तुम्हारा कोई नया खेल है ना, तो वादा करते इसमें कामयाब नहीं होने देंगे तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, स्केच। क्या हुआ साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? कुछ काम था आपको? वानी, क्या ये वही औरत है जो धानी का पीछा कर रही थी? हाँ। इसका मतलब उस कमरे में धानी थी। ठीक है बचवा, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? क्या हुआ काशी, उस औरत का और प्रताप का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं भाई ना, लेकिन ध्रुव उस औरत से पहले किसी मोहल्ले में मिला था,
वो वहीं उसे मिलने गया। चलिए जी जी, हम भोलेनाथ को मनाते हैं कि हमारी दानी सही सलामत घर वापस आ जाए। हम जाप करते हैं मंदिर में जाके। मम्मी जी, हम भी अपनी बहन की सलामती के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि काला साया ध्रुव और दानी की जिंदगी में आए और उन्हें निकल जाए। हेलो। हेलो प्रताप, ध्रुव पांडे ने तुम लोगों को पहचान लिया है, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है।